Hey everyone, welcome back to my channel Makeup Obsession by NF. If you are new to this channel, then please subscribe it. और अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अगेन. मेरे पास जो एक वीडियो आपके लिए है वो बहुत ज़्यादा हाईली रिकमेंडेड है और हाईली रिक्वेस्टेड वीडियो थी कि डार्क सर्कल्स जो हैं उनको किस तरीके से रिमूव किया जा सकता है. और आज की वीडियो जो है वो आपने पहले कभी नहीं देखी होगी, कहीं नहीं देखी होगी, बिकॉज डार्क सर्कल्स को सिर्फ दो इन्ग्रीडियंट्स के साथ रिमूव करना मैं आपको बताऊँगी, जो कि बहुत सिंपल है. और अगर इनमें से कोई एक भी आपके पास मिसिंग है, आपके पास नहीं है, तो उसकी बजाय आप क्या यूज़ करें वो भी मैं आपको यहाँ पर रेकमेंड करूँगी, जो कि बहुत से लोग अपने वीडियोस बनाते हैं, आप उनमें देखते होंगे कि वो जो इंग्रेडिएंट्स उन्होंने बता दिए वो कहते हैं उनको फॉलो करें. लेकिन कोई ना कोई ऐसा सप्लीमेंट होना चाहिए कि अगर किसी के पास उनमें से कोई इंग्रेडिएंट अवेलेबल नहीं है तो वो क्या करें. तो मैं आपको आज की वीडियो में सारी डिटेल बताऊँगी. सबसे पहले तो ये कि डार्क सर्कल्स होते क्यों हैं. डार्क सर्कल्स जो हैं आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से हो सकते हैं. कुछ लोगों को आयरन की कमी होती है, कुछ लोगों को आयरन की ज़्यादा होती है, कुछ में आयरन बहुत ज़्यादा होता है उस वजह से भी डार्क सर्कल्स हो जाते हैं. इसके अलावा एक हेरिडिटी फैक्टर होता है कि एक विरासती तौर पे जीन्स के अंदर आपके अंदर ये चीज़ होती है कि अगर आपके किसी बड़े को डार्क सर्कल्स थे तो बच्चों में भी ये चीज़ आ जाती है. बेशक वो टाइम पे नींद पूरी करते हों या उसकी रीज़न कोई भी हो, उनके भी डार्क सर्कल्स आ जाते हैं. मैं आपको इसकी रेसिपी भी बताऊँगी, मगर उससे पहले आपको डार्क सर्कल्स के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि डार्क सर्कल्स की रीजंस क्या होते हैं. सबसे पहले तो मेडिकली ये कि आपको 8 घंटे कम से कम अपनी नींद पूरी करनी चाहिए, और रात जो है वो सोने के लिए होती है. अब रात के टाइम जो है वो अपनी स्लीप अच्छी लें, क्योंकि रात के टाइम हमारी बॉडी की जो रिपेयरिंग हो रही होती है वो सारी रात के टाइम होती है अंधेरे में. उसके बाद आप दिन के टाइम उठ के आपके जो भी काम है वो करें, इन केस के जैसे कि आजकल की लाइफ हो चुकी है बहुत ज़्यादा लोग बिज़ी रहते हैं और रात को लेट सोते हैं और उनकी नींद प्रॉपर नहीं होती, उस वजह से भी सर्कल्स आ जाते हैं. या डिप्रेशन इसका बहुत बड़ा एक कॉज होता है. अगर आपको डिप्रेशन है या परेशानी है किसी तरह की भी, आपको किसी किस्म की भी अगर कोई इस तरह के इश्यूज़ हैं तो भी आपको डार्क सर्कल्स आ जाते हैं. और जितनी आपकी काफ़ी आपने देखा होगा कुछ लोग बहुत खूबसूरत, उनकी कम्प्लेक्शन बहुत फेयर होता है, उनकी मतलब बहुत खूबसूरत उनका फेस होता है, मगर सिर्फ डार्क सर्कल्स और जो आँखें उनकी काली हुई होती हैं उस वजह से उनका जो फेस एकदम से वो डलनेस की तरफ चला जाता है और उनकी खूबसूरती ही मान पड़ जाती है. तो आपकी रीज़न कोई भी हो डार्क सर्कल्स की, आपने इसको रिमूव किस तरह करना है और इंस्टेंटली इसका रिज़ल्ट आएगा, इंस्टेंटली मैजिकल आएगा. और आपको इसके लिए कोई भी एक्सपेंसिव आई क्रीम लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये सब लोगों के लिए इफ़ेक्टिव है. किसी किस्म का भी आपको कोई इशू हो ये आपको प्रॉब्लम नहीं करेगा, बिकॉज दे आर नेचुरल. इनमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आपको प्रॉब्लम करें. इन केस अगर कुछ लोग विटामिन ई से थोड़ा प्रॉब्लम होता है उनको कि भाई विटामिन ई के हमें कैप्सूल्स नहीं मिलते या ऐसा कोई प्रॉब्लम होता है, तो वो भी मैं आपको वीडियो के बाद में एंड में बताऊंगी कि आप क्या करें. सो हमारी इस वीडियो में जो दो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो है एलोवेरा जेल. अगर आपके पास फ्रेश हो घर में आप एलोवेरा जेल का, तो मैं कहती हूँ एक प्लांट ले ही लें. एलोवेरा जेल है फ्रेश, बहुत अच्छी रहती है. आप फ्रेश उसका प्लांट ले लें, आप फ्रेशली उसको निकालें और उसमें से जितनी आपको रिक्वायर्ड है वो आप ले सकते हैं. इसमें मैं आपको एक क्रीम बताऊंगी जो कि आपने डेली अपनी आईज़ पर लगानी है. और पहली बात तो ये कि जिन लोगों को डार्क सर्कल्स जो हैं वो थोड़ी नॉर्मल कैटेगरी के हैं, तो 3 दिन के अंदर आपको बिल्कुल रिमूव हुए हुए डार्क सर्कल्स नज़र आएंगे, कि बिल्कुल उनका कोई नामो निशान ही नहीं रहेगा जो क्रीम मैं आपको बताऊँगी उसको बनाने से, या जेल उसको कह सकते हैं बनाने से. आपके डार्क सर्कल्स जो हैं वो 3 दिन के अंदर बिल्कुल रिमूव हो जाएंगे. और अगर किसी के बहुत ज़्यादा ब्लैकनेस और डार्क सर्कल्स हैं तो वो इसको मतलब कंटिन्यूसली लगाए 3 महीने. आपने इसको छोड़ना नहीं, आपने 3 महीने डेली बेसिस पर लगाना है. और आप इस जेल को प्रिजर्व भी कर सकते हैं, यानी कि आप डेली इसको बनाएंगे तो आप फेडअप कुछ लोग हो जाते हैं कि हम डेली कैसे बनाएं भाई, ये तो बहुत मसला है कि डेली बनाएं ये वो. लेकिन आप ये भी तो देखें कि यहाँ पर इन्ग्रीडियंट्स सिर्फ 2 हैं. आपको मैंने बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं बताए कि आप इसमें ये भी डालें, ये भी डालें, ये भी डालें, ऐसी कोई चीज़ नहीं है. सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स हैं, एलोवेरा जेल है और विटामिन ई कैप्सूल्स हैं. अच्छा, विटामिन ई जो कैप्सूल्स हैं वो आपको जो है अवेलेबल हो जाते हैं. ये देखें, ये इस फॉर्म में आपको एक बॉटल सी मिल जाएगी. इसमें काफ़ी ज़्यादा कैप्सूल्स होते हैं, अबाउट यहाँ पे लिखा है 90 जो है जेल कैप्सूल्स इसमें होते हैं. फेशियल ऑयल इसके ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है. ये तो ये विटामिन ई है, देखिए एलोवेरा एंड विटामिन ई इसके ऊपर प्रिस्क्राइब्ड है. तो ये भी आप ले सकते हैं, या मेडिकल स्टोर वालों से आप पता करें तो वो आपको बता देंगे कि एलोवेरा सॉरी विटामिन ई के उनके पास कैप्सूल्स होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं, ठीक है. आपने क्या करना है, आपने सिर्फ 2 कैप्सूल्स लेने हैं
और आपने एक चम्मच भर की एलोवेरा जेल का पहले किसी बाउल में ले लेंगे। उसके बाद आप उसमें दो जो है वाइटामिन ई के कैप्सूल्स, उनको अच्छे से उसमें स्क्वीज आउट कर लेंगे, उसका ऑयल निकाल के उस एलोवेरा जेल में डाल लेंगे, ठीक है। तो उसके बाद आप इन दोनों चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दो आपको वाइटामिन ई के कैप्सूल्स चाहिए और आपको एलोवेरा जेल का एक चम्मच भर के चाहिए। अच्छे से उसको मिक्स कर देंगे। उसके बाद आपने इस बैटर को जो है फ्रिज में रख देना है। अब यहाँ पर मैं बताती चलूँ कि अगर किसी के पास वाइटामिन ई के कैप्सूल्स नहीं है तो वो क्या करे, वो फिर ये करे कि वाइटामिन ई के कैप्सूल्स अगर आपके पास नहीं है तो आप उसकी जगह पे पोटैटो का जूस ले सकते हैं। आपने एक पोटैटो ले लेना है, चाहे छोटे साइज़ का हो, उसको कद्दूकश करके उसको निचोड़ के उसका जूस निकाल लेंगे। वो आपने एक टेबल स्पून भर के एलोवेरा जेल के अंदर ऐड कर देना है, ठीक है। आप इसकी थिकनेस थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं क्योंकि वो जूस फॉर्म में है। तो आप एलोवेरा जेल को 2 टेबल स्पून एलोवेरा जेल कर लेंगे और 1 टेबल स्पून जो है आप इसका पोटैटो का जूस इसमें शामिल करके इन दो चीज़ों को ऐड करके भी यही सेम रिजल्ट्स ले सकते हैं, ठीक है। क्योंकि पोटैटो के अंदर जो होता है बहुत ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि डार्क सर्कल्स को, आपके डार्क एरियाज़ को जो है रिमूव करता है। और एलोवेरा जेल जो है ये इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल इसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। आपकी जितनी ड्राइनेस, ड्राई अगर अंडर आई एरिया, उसको भी ये रिमूव कर देता है। उसके अलावा आपकी अगर रिंकल्स, फाइन लाइंस आपकी अंडर आई आ रही हैं तो एलोवेरा जेल इसके लिए बहुत ज़्यादा मैजिकल हो जाता है, ठीक है। और वाइटामिन ई के अपने फ़ायदे हैं कि वाइटामिन ई जो है ये आपके सेल्स को, डेड सेल्स को रिपेयर कर देता है, आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करता है एट द सेम टाइम। और इसी तरह जैसे एलोवेरा जेल करता है, ये आपकी ड्राइनेस को रिमूव करता है, आपके वॉन्ड्स को हील करता है। उसके बाद स्किन कैंसर प्रिवेंशन के लिए वाइटामिन ई बहुत ज़्यादा जो है वो इंपॉर्टेंट है और स्किन की इचिंग को रिड्यूस करता है। उसके अलावा फाइन लाइन रिंकल्स तो मैंने आपको दोनों केसेस में बताया कि जब दोनों मिलते हैं तो ये बहुत ज़्यादा आपके लिए इफेक्टिव बन जाते हैं। तो आपने इन चीज़ों को मिक्स करके, जो कि मैंने पहले बताया आपको, एलोवेरा जेल 1 टेबल स्पून और 2 आपने वाइटामिन ई के कैप्सूल्स जो हैं उसको अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है कि वो क्रीम की कंसिस्टेंसी या जेल की कंसिस्टेंसी लाइक हो जाए, ठीक है, वाटरी ना रहे। आपने फिर इसको फ्रिज में रख देना, आप इसको फ़ौरन नहीं लगाएंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आप वीडियो देखते ही अगर आपके जहन में आए कि भाई एलोवेरा जेल और हमने वाइटामिन ई जो है इसको भाई मिक्सअप करना और लगा देना है, असल चीज़ ये नहीं है। आपको लगाने का तरीका आना चाहिए। लगाने का तरीका ये है कि आपने जब इसको बना लेना है, अपने इसको फ्रिज में रखना है। इस प्रोसेस का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है वो है ठंडा करना इस पेस्ट को। आपने इसको फ्रिज में रख देना। अगर आपने रात को बनाया है तो आप इसको ओवरनाइट फ्रिज में रख देंगे। उसी दिन आप इसको प्लीज़ अप्लाई मत कीजिए। अगर आपको ड्रास्टिक रिजल्ट्स 3 दिन के अंदर अगर आपको चाहिए कि आपके डार्क सर्कल्स रिमूव हो जाएं तो आप इस वाले पेस्ट को फ्रिज में रख दीजिए। अगले दिन आप इसको जो है आप क्या करेंगे, आपने इसको डे टाइम में बिल्कुल नहीं लगाना। ये अपना वर्क रात के वक्त करेगा, ठीक है। आपने रात को सोने से पहले आपने इस जेल को लेकर अपने फिंगर पर लेंगे और आप इसको जेंटली जो है अपने अंडर आई एरिया पे, जहाँ जहाँ पे आपको डार्क स्पॉट्स हैं उस पर आपने लगा देना है। जेंटली लगाना है, आपने इसको रगड़ना नहीं है, ज़ोर से अप्लाई नहीं करना, जेंटली आपने लगा के छोड़ देना है। आपने इसको बिल्कुल रिमूव नहीं करना, आपने ना ही वेट करना है 15 मिनट 20 मिनट, ऐसा कुछ नहीं। आप इसको लगा देंगे और उसके बाद आप सो जाएंगे और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग आप उठेंगे, ठीक है। आपने 3 दिन मतलब 3 नाइट्स आपने इसको लगाना है। उसके बाद अपना रिजल्ट देखेंगे कि आपकी डार्क स्पॉट्स जो है बिल्कुल गायब हो चुके होंगे। और जिनके बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा हैवी या जेनेटिकली जिनको प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा है, उनको लाइटन कर सकते हैं इसको कंटिन्यूसली यूज़ करके। सो ये वीडियो बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। आप इसको काइंडली लगाइए, मुझे कमेंट्स में बताइए। इसका रिजल्ट आपको बहुत ऑसम लगेगा। 100% जेन्युइन गारंटेड रिजल्ट्स है जो कि आपको कहीं नहीं मिलेंगे, बजाय इसके कि आप बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स को ले लें और लगाना शुरू कर दें। इट्स वेरी ईजी फॉर एवरी वन एट होम। ओके, हमारी इस तरह की वीडियोज़ मज़ीद अगर आपको चाहिए तो काइंडली आप बेल आइकन को प्रेस कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया हुआ। So thank you so much for watching. Keep sharing our videos. Take care.